अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ्स में एलसीएम को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि आपने विद इन अ सेकेंड्स आपने एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट का कंप्लीट पता चल जाए कि आपने एलसीएम को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है। आपकी इस वीडियो के बाद एलसीएम का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स पर। हम आज 4 शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे आपको इजीली, जिससे समझ आ जाएगी कि आपने एग्ज़ाम में एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। हमारे पास पहली एग्ज़ाम्पल जो है, पहली जो ट्रिक हम यूज़ करेंगे, हमारे पास मैंने यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हैं, 6, 12, 24, 48। अब हमने इन सबको देखना है क्या हमारे पास जो सबसे बड़ा जो नंबर है, क्या ये इन सब पर डिवाइड होता है। जी हाँ, ये सब पर डिवाइड होता है। अगर 6 पर हम डिवाइड करें तब भी होगा, 12 पर भी होगा, 24 पर भी होगा और 48 खुद पर भी होता है। तो जब सब पर डिवाइड होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये थी पहली ट्रिक, आपने इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दूसरी ट्रिक देखें, हमारे पास दूसरे में भी 4 नंबर हैं, 5, 15, 20 और 30। अब इसमें हमारे पास 5 डिवाइड हो रहा है, हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है, 30 है। 5 पर डिवाइड हो रहा है, 15 पर भी हो रहा है, लेकिन 20 पर नहीं हो रहा। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं जो जो हो रहा है डिवाइड, उनको हमने ख़त्म कर लेना है। 15 पर भी होता है, ये भी हमने ख़त्म कर। अब रह गया 20 और 30। अब हमने इस फिगर को जो सबसे हाईएस्ट है, इसको ऐसा बनाना है जो कि 20 पर भी हो सके, 20 भी उससे ख़त्म हो सके। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 60। अब 60 जो है वो 20 इस पर ख़त्म हो रहा है, कट हो रहा है, तो कट हो रहा है, तो 60 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तीसरी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है, हमारे पास 3 नंबर है, 7, 14 और 13। अब हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 14 है। अब हमने 14 के साथ 7 कट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन 13 नहीं हो रहा। 13 हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 पर डिवाइड होते हैं या अपने आप पर डिवाइड होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपके पास प्राइम नंबर हो कोई, तो आपने इस तरह जो हाईएस्ट नंबर हो उससे जो कट होता है उसको कट कर देना है, जो नहीं होता, जो प्राइम नंबर रह जाएगा उसको आपने सिंपल क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 14 और 13 को आप जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 182। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 182। ये थी हमारी तीसरी शॉर्ट ट्रिक। चौथी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर भी 4 नंबर है, 4, 12, 17, 24। हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 24 है। 24 के साथ 4 ख़त्म होता है, 12 भी कट होता है, रह गया 17। 17 कौन सा नंबर है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो जैसे ही प्राइम नंबर है तो हमने क्या करना है, हमने ट्रिक हमें मालूम है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 24 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 408। ये हमारा एलसीएम होगा। ये थी 4 शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका रिज़ल्ट 100% आएगा और आपका टाइम भी एग्ज़ाम में बचेगा। अब चलते हैं एलसीएम के जो कंसेप्ट है कि आपने एलसीएम किसे कहते हैं और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड से। तो एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर हमारे पास कॉमन, जो सब में कॉमन होगा, जितने भी जो फिगर्स हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको हम एलसीएम कहते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे 3 लिखे हुए हैं, हमारे पास ये 3 जो है, 3 का टेबल, 4 का टेबल और 6 का टेबल, हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसका अगर हम टेबल पढ़ें तो हमारे पास टेबल में हमारे पास 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 आता है। इसी तरह हमारे पास 4 का टेबल, 6 का टेबल। अब हमने इनमें कॉमन जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास कॉमन कौन सा है, 12 है,
12 हमारे पास कॉमन है, फिर हमारे पास दूसरा कौन सा कॉमन है, 18 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, हमने यहाँ पर क्या है 24 कॉमन है हमारे पास, हमने ये देख लिया। और हमारे पास कौन सा कॉमन है और हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं है, अब हमने देखना है कि कौन सा हमारे पास लोवेस्ट कॉमन है, मीन्स कि हमारे पास सबसे कम जो है वो कॉमन कौन सा है। तो हमारे पास कौन सा है, 12 हमारे पास सबसे कम लोवेस्ट है, तो ये हमारे पास LCM हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि LCM हमने कैसे फाइंड आउट करना है, और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी कि हमने LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हैं, आप इसको ट्राई करें खुद और देखें कि आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, वो आप हमें कमेंट में बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मालूम करेंगे, और इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स जितनी भी हैं हमारे पास वो हम सब मालूम करेंगे एवरेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, एजिस की, ये सारी हम करेंगे बिल्कुल शॉर्ट सी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।